सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अवि और आप देख रहे हैं एडवेंचरस अवि। आज का व्लॉग हमारा होने वाला है संडे राइड के ऊपर। संडे राइड हमारी हो रही है नोएडा के अंदर, थ्रोटल थ्रोटल एक कैफे है वहाँ पे हो रही है। वहाँ पे सारे बाइकर जाते हैं तो हम भी वहीं जा रहे हैं आज, और नीचे सारे वेट कर रहे हैं। तो हम जल्द से मोटो व्लॉग पे आते हैं और आपसे मिलते हैं, बाय। सो गाइस, अब हम सीधा आ चुके हैं मोटो व्लॉग पे और मेरे पीछे बैठा सौरभ, आगे आप देख सकते हैं डोमिनार जा रही है और हिमालयन जा रही है और पल्सर 220 जा रही है। हिमालयन और डोमिनार तो मसा शिमला की राइड पे भी थी, अपनी जो ट्रिप थी पूरी आप सबने देखी होगी। और ये लोग पता नहीं क्यों स्लो कर रहे हैं, शायद इन्हें रास्ता नहीं पता। मैंने अभी सौरभ को बोल तो दिया है रास्ता लगाने के लिए, और अभी पहले तो अपने को पेट्रोल डलवाना है। तो मैं एक बार इनसे पूछ लेता हूँ क्या कहना चाहते हैं लोग, आगे बुला रहे हैं। हाँ बोल, राइट लेना है। तो गाइस, यहाँ से हमें राइट लेना है क्योंकि पहले पेट्रोल डलवाना है, और इन लोगों को अभी थोड़ा रास्ता नहीं पता, और पीछे सौरभ ने रास्ता लगा लिया है। अभी हम जा रहे हैं थ्रोटल थ्रोटल नोएडा। और गाइस, एक और चीज़ है, ये जो मेरे पास फ़ोन होल्डर है इसने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। आप देख सकते हैं, मतलब ये इतना इरीटेट करता है क्योंकि जब हवा आती है तो इसके जो पेच होते हैं वो सारे हिलने लग जाते हैं, तो बड़ा परेशान हो जाता है इससे। तो इसको भी मेरे को ज़रा फिक्स कराना है। इसको बहुत बार फिक्स करा लिया, बट ये फिर फिक्स कराने के लिए इसकी डिमांड आती है। और यहाँ पे हमारी ग्रीन लाइट हो चुकी है, और बट हमारी साइड की नहीं, तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा। तो गाइस, अभी थोड़ी सी खींची बस, क्योंकि सर्विस के बाद से इसके अंदर पावर में तो इम्प्रूवमेंट आई है डैम श्योर, बट अभी इतनी खींची नहीं क्योंकि रोड अच्छा है नहीं। बट अभी ठीक था रोड, थोड़ा बहुत तो हमने हल्की फुल्की खींची। अभी आगे और खींचेंगे क्योंकि पता है नोएडा की साइड में काफ़ी अच्छे रोड बने हुए हैं। तो अब जल्दी से पहले हमें पेट्रोल डलवाना, तो पेट्रोल डलवाते हैं। तुम्हारे भाई ने कवर के पीछे पैसे रख रखे हैं, क्योंकि मेरे को अपने चेकबुक के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसमें से पैसे गिर जाते हैं मेरे हर बार। हो गया हो गया हो गया, चलो चलो। अब सो अपने, हमने तो डलवा लिया, अब पीछे करंट डलवा रहा है, अब अन्य शायद डलवा लिया वहाँ से। तो पहले बाइक आगे कर लेते अपनी थोड़ी। अब जल्दी से आपको सीधा आगे का ही दिखाता हूँ, जब थोड़ा आगे निकलते तब। कैसी लग रही है भाई? भाई लोगों की नजरें नहीं हट रही, लोग आवाज सुनो। ये भाई अमन पंप हो गया, लोंडे पंप हो ही जाते हैं भाई आवाज सुन के। One hour later. Oh, भाई साहब क्या चिकोरे बेटे, तीन तीन गाड़ियाँ गाइस, क्या लग रही हैं तीनों। थोड़ा इनका पीछा करना पड़ेगा यार, ये तो आगे निकल के पहुँच जाता, पर भाई क्या लग रही थी। इस पार्ट को ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा मुझे भाई, मतलब इतनी सेक्सी पर भाई क्या गाड़ियाँ हैं। वो भाई से रुक नहीं रही, मैं खुद अभी 100 की स्पीड पर चल रही हूँ, मुझसे भी आगे भगा रहे हैं भाई साहब। एक इनमें से सिविक थी और एक होंडा सिटी थी और एक मेरे ख्याल से i20 थी, और तीनों मॉडिफाइड, और किस हद तक एग्जॉस्ट लगे हुए थे। आपको शायद हल्का बहुत साउंड आई होगी, ये शायद नहीं आई होगी क्योंकि हवा भी चल रही है, बट क्या बैक फायर मार रही थी भाई गाड़ियाँ यार, मतलब दिन मना दे भाई इन गाड़ियों ने कसम से। इतनी ओके पीस लग रही हैं गाड़ियाँ,
अभी थोड़ा आगे खेसता हूँ उनके पास, ले फिर देखते हैं। सो गाइस ये जगह देखो यार एक बार, मतलब क्या पुल के नीचे लाइटनिंग हो रखी है बड़ी। और मैं पहुंच चुका हूँ गाड़ियों के पास क्योंकि जाम था, इन्होंने भी रोक ली और हम पास आ चुके। और इंडिकेटर क्यों दे रहे हैं, ये रोक रहे हैं मेरे ख्याल से। और आवाज़ सुनो यार इनकी, मतलब गाड़ियाँ यार। ये कलर देखो एक बार आप इसका, ब्लू कलर भाई क्या बना रखे भाई। शाउट आउट है भाई जिसकी भी ये गाड़ी है उसको, अगर वो देख रहे वीडियो तो भाई बहुत तगड़ी। और ये सिविक भाई, सिविक तो पहले ही बहुत सेक्सी लगती है गाड़ी, उसने क्या बना रखे अब इसने भाई चीज़ भाई। एक इनके साथ i20 भी थी, पता नहीं वो कहीं शायद आगे निकल गई होगी। सो गाइस अब यहाँ पे एक और गाड़ी दिख चुकी है जो है BMW, ये भी फुल रैप हो रखी है मेरे ख्याल से ग्रे कलर में, और ब्लैक कलर की इसकी बूट है पीछे की, और ये भी बहुत सेक्सी लग रही है। आगे एक और दिख रही है मुझे नियॉन कलर की, ये शायद मर्सिडीज़ है, और एक कन्वर्टेबल है। मतलब ये भी क्या लग रही है यार, मतलब आज लगता है गाड़ियों का दिन है गाइस। बाइक इतनी अच्छी नहीं दिखी मुझे अभी तक, वहाँ पहुँचे तो ऑब्वियसली दिखी जाएंगी, बट गाड़ियाँ आज एक से एक दिख रही है गाइस। मतलब ये ब्लॉग आज से ज़्यादा मेरे को लग रहा है हमारा गाड़ी पे ही जाने वाला है। मतलब क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है, बहुत खतरनाक। चलो इनको जाने देते हैं, और मेरे दोस्त जो है मेरे को दिख नहीं रहे कहीं पे भी, पता नहीं कहाँ मर रहे हैं, तो जल्दी से वहीं पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस ये खड़ी अपनी गोकू और ये अपनी हिमालयन स्क्रैम, इस पर हमने ये लगवाया था शिमला से, यह थोड़ा ख़राब हो गया मेरा भी, मैंने तो शीशे उतार दिए तो फिर वही उतर गया सारा। और ये पल्सर 220 और डोमिनार 400, ये हमारे साथ नहीं है, बट ये भी अच्छी बाइक है यार, अच्छी तो ये भी है वैसे, पर ये अपने साथ नहीं है। अपने साथ एक वो आएगी, वो जल्दी आएगी, बहुत व्लॉगर आ रखे हैं, बहुत व्लॉगर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपनी निंजा 650 खड़ी है, अपने पास भी, अपने ग्रुप में भी है, मतलब एक Z900, तो सही है भाई, हम भी कम नहीं है थोड़े, अपनी गोकू भी कम नहीं है किससे। बढ़िया मस्त लगती है यार एकदम। चलो अंदर चलते फिर आपको दिखाते हैं। गाइस यहाँ पे बुलेट खड़ी है, ये BMW G310RR खड़ी है, अभी तुम्हारे भाई देख रहे हैं Apache, और ये अपनी हस्कोना कॉन्टिनेंटल Apache RR310। ये बड़ी खतरनाक हो रखी डार्क क्रोम अपनी, ये हार्ली डेविडसन निंजा 400, पीछे अपनी जावा डोमिनार हिमालयन, आगे यहाँ पे भी हार्ली डेविडसन। गाइस अभी हम आ चुके हैं अंदर थ्रोटल शोटल के, यहाँ सारे हेलमेट रख दिए, अब यहाँ खेलेंगे कैरम बोर्ड। सारे राइडर आ रखे हैं, ये डिटोना खड़ी है, डिटोना, और आगे खड़ी अपनी CBR। चलो आगे चलते हैं और थोड़ा पहले हाथ मुँह देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाने पीने का मंगाते हैं। यहाँ आ रखे पहले भी तो थोड़ा बहुत पता है यहाँ का सिस्टम कैसा है, कहाँ पे है। तो गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ, बड़ा सही बंदा है। और यहाँ पे थोड़ा इनका सामान वामान रखा है, खाली पड़ा यार, लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, पर कोई नहीं, फोटो वोटो अच्छी बनी हुई है। ऊपर इतना है नहीं, बट ऊपर इसलिए लाया हूँ ताकि एक वीडियो बना लूँ और एक व्लॉग बना लूँ। देख लो गाइस कितनी सारी बाइकें हैं, हम थोड़ा लेट हो गए वरना और बाइकें दिख जाती। हमारी वहाँ लगी है, उधर लगी हमारी बाइक, और ये सारी बाइकें बाइकें। अच्छा जी व्लॉगिंग, यस भाई इसी में ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है भाई, सन राइज़ हो चुका अच्छे से, अब चलो नीचे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम थोड़ा बाहर आ गए वहाँ से, अंदर गाने वाने चल रहे हैं जैसे आपको बता दिया था, और अपने साथ आया सौरभ। भाई तुमने इतना गलत रास्ता क्यों बताया, पहले बताओ। भाई मैं गाड़ियाँ देख रहा था यार। गाइस आपने जो गाड़ी देखी ये भी उसका ब्लॉग बना रहा था, तो इस चक्कर में लेट हो गया। पीछे अपना थ्रोटल शोटल और पीछे एरी अपनी बाइक के सारी खड़ी। चलो उसकी सिनेमेटिक ले लो फिर आपसे मिलता हूँ।
cause I'm just out of reach of your finger. I'm willing to die for this shit. I done cried for this shit. Guys, ab 8 baj chuke hain aur apna nikalne ka time ho gaya bina kuch khaye piye, bas halka phulka खा लिया था थोड़ा बहुत बाहर से, वही खाया, वो आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि भूख ज़्यादा थी। बाकी तो अब निकल रहे हैं, ज़्यादा कुछ किया नहीं यहाँ पे, हल्के फुल्के सिनेमेटिक्स बनाए। और ये अभी भाई साहब फिर आएंगे करण के साथ, ये अभी यहाँ पे ऑर्डर दे रहे सारे। अब मैं निकलता हूँ, सीधा आपको मोटर ब्लॉग पर मिलता हूँ। जैसा आप लोग देख सकते हैं, अब मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर। ये रहा मेरा घर, ये रही मेरी गाड़ी, ये रही मेरी गोकू। तो हमने अभी आपको दिखा नहीं सकता टाइम वाइम, बट आपको बता देता हूँ, हम वहाँ से निकले थे 8:10 पे और अभी हो रहा है 8:40 हो रहे हैं इन शॉर्ट। तो हम आधे घंटे में वहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं और बीच में हमने 100-100 सेकेंड की रेड लाइट भी देखी थी, उसके बाद भी हम पहुँच चुके अपने घर आधे घंटे में, नोएडा से उत्तम नगर। तो आपको क्या करना है इसके लिए, आपको बस यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करना है इसे। सो गाइस, अब हम वापस आ चुके हैं घर पे। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक कर देना आज की वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल एडवेंचरस रवि को। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। I'm willing to die for this shit. I done cried for this shit. Might take a life for this shit. Put the Bible down and go out for a knife for this shit.